नमस्कार, मेरा नाम है सपन विश्वास। दोस्तों, आज सुबह करीबन करीबन 9 से 10 बजे के बीच में सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और ये बताया कि एक व्यक्ति का बटलर बे बीच लिटिल अंडमान में एक्सीडेंट हुआ है और उस व्यक्ति को आर के पुर हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। ये खबर सुनते ही सबसे पहले मैं आर के पुर हॉस्पिटल में गया और देखा आखिर कौन है। तो दोस्तों, जाना माना पहचाना है चेहरा हमारे नेताजी नगर लिटिल अंडमान का एक सिटीज़न श्री विद्युत बोनिकदा लेटे हुए थे हमें मेडिकल में, जिनका पुलिस कार्रवाई चल रही थी और किससे बात कर रहा था हमारे बोनिकदा जी। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट स्पॉट में गया, यानी कि बटलर बे बीच आर के पुर लिटिल अंडमान में, कि आखिर स्पॉट में हुआ क्या था। दोस्तों, वहाँ में मैं पहुँचने के बाद ये देखा कि वहाँ में जो पेड़ गिरा था, झाऊ पेड़, वो पेड़ को पुलिस फायर सर्विस का स्टाफ लोग पेड़ को काट के अंजाम दे रहा था, रास्ता को साफ कर रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का स्टाफ भी तैनात थे और पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ भी तैनात थे। दोस्तों, आखिर हुआ क्या था? सूत्र को अनुसार ये पता चला कि हमारा जो विद्युत बोनिकदा, वो घर से निकले थे आर के पुर के लिए। जब ममूलाला से वो क्रॉस कर रहा था, यानी कि बटलर बीच आर के पुर लिटिल अंडमान का वहाँ से क्रॉस कर रहा था, जो उनके जो पीछे की तरफ से जहाँ पर बटलर बे बीच लिटिल अंडमान, उनका ऑपोजिट में एक डालडा प्लांटेशन है। उस डालडा प्लांटेशन का अंदर में जो एक बड़ा झाऊ पेड़ अपने जड़ से उखड़ के एक डालडा पेड़ को साथ में लेकर इलेक्ट्रिसिटी एसटी लाइन के ऊपर होते हुए विद्युत दा का ऊपर गिरा। और ये पेड़ का वो हिस्सा है जो जहाँ पर पत्तियाँ होते हैं ऊपर में एकदम लास्ट, और थोड़ा मोड़ा डालियाँ उनका पर, वो पेड़ और पत्ती, मतलब डाली और पत्ती गिरा उनका ऊपर। गिरते वक्त हडबे के तरफ से कोई जी बोला, यानी कि रोबिन सरकार जी अपने जीप लेके पैसेंजर लेने के लिए आर के पुर जा रहे थे। जाने के दौरान उनका नज़र पेड़ का अंदर गिरा कि आखिर इसका अंदर जो गिरा कौन है, ये शख्स कौन है। तो उनको हमारा रविंद्र सरकार दा उनको उठा के अपना जीप में बड़ी बहादुरी के साथ डाल के, मतलब बैठा के, सॉरी डाल के नहीं, बैठा के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद हॉस्पिटल में जो अपने कार्रवाई हुआ, उनको आर के पुर से हडबे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और हडबे से उनको पोर्ट ब्लेयर के लिए रेफर किया गया है। दोस्तों, सवाल यह है कि ये जितना पेड़ है, ये पेड़ का वजह से, ये मतलब जो रोड के साइड में जितना पेड़ है, ये पेड़ के वजह से ऐसा कोई घंटा नहीं है कि आर के पुर, बी के पुर और रविंद्र नगर में लोड शूटिंग होता, यानी कि पावर कटिंग होता। दोस्तों, आज हमारे जो ये रोबिन सरकार जी अपना जीप लेके जा रहे थे, ये तो एक हीरो बोलना चाहिए इसको, कि इन्होंने उस आदमी को अपना जीप में बैठा करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। और हमारे जो पुलिस फायर सर्विस है आर के पुर का, इन्होंने पूरे बहादुरी के साथ
सबके साथ मदद में लगा था और इस पेड़ को काट के अंजाम दिया। आई थिंक सो पुलिस फायर सर्विस आर कपूर इज द रियल हीरोज। आई रियली अप्रिशिएट टू पुलिस फायर सर्विस आर कपूर एंड आई सल्यूट टू देम। दोस्तों हर जगह जो है पुलिस फायर सर्विस का स्टाफ पहुंच जाता अगर कोई जगह पेड़ गिरता तो, और इन जैसे हीरो रविंद्र सरकार जैसा हीरो पहुंच जाते हैं, इंसान को मेडिकल पहुंचाते सही सलामत। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं रविंद्र सरकार जी को। दोस्तों सवाल यह है कि आगे जाके ऐसा कोई घटना ना घटे, उससे पहले मैं यहाँ का हड़बे का ग्राम पंचायत प्रधान नेताजी नगर ग्राम पंचायत प्रधान जी और यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके रोड के साइड में जितना भी पेड़ है इनको काटने का प्रबंध करें, ताकि आगे जाके ऐसा कोई एक्सीडेंट दूसरे के साथ ना हो और पब्लिक जो है लोड शूटिंग से बचे। दोस्तों जगह कौन से थी आइए देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए स्क्रीन पे झाऊ पेड़ जो है बटलर बीच आर के पुल लिटल नमान का सामने गिरा है इलेक्ट्रिसिटी वायर के ऊपर पब्लिक रोड में। यहाँ पर जो है रास्ते से युवक अपना गाड़ी में जा रहा था, उस युवक के ऊपर एक गाली गिरा जिसका कारण युवक इंजर्ड हो गया और उसको सही सलामत मेडिकल पहुंचाया गया। देखिए रेस्पेक्टेड पुलिस फायर सर्विस कितने बहादुरी के साथ इस पेड़ को काटने में अंजाम दे रहे हैं। पुलिस फायर सर्विस एक डालडा पेड़ को लेकर भी गिरा है, साथ ही साथ यहाँ में अपना पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ भी तैनात है ड्यूटी पर। तो ये हालत है हमारा आज के पुर का जो रास्ता का ऊपर जो पेड़ गिरा वाला का हालत। आगे देखते रहिए कि पुलिस फायर सर्विस का स्टाफ कितने बहादुरी के साथ इस पेड़ को काटने में अंजाम दे रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस पेड़ पूरे जड़ के साथ नीचे रास्ते में गिरा हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा स्पॉट बटलर बे बीच लिटिल अंडमान जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों आगे भी आपके लिए आप लोगों के लिए मैं न्यूज़ लेके आता रहूंगा। आप सपन विश्वास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।